फतेहाबाद के बाजरा खरीद केंद्र पर पहले ही दिन खैरागढ़ से किसान लेकर पहुंचा 400 कुंतल से अधिक बाजरा आया संदेह के घेरे में। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। किसान के घर पर कैसे पहुंचे सरकारी कट्टा? किसान सरकारी कट्टा में भरकर लाया था बाजरा। बाजरा खरीद केंद्र को किया सील। फतेहाबाद में खोले गए बाजरा खरीद केंद्र पर पहले ही दिन खैरागढ़ से एक किसान 400 कुंतल से अधिक बाजरा लेकर पहुंच गया। मामला संदेह के घेरे में आने के बाद एसडीएम विजय कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एसडीएम ने भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन द्वारा किसानों से सीधे बाजरा खरीदे जाने को लेकर बाजरा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान फतेहाबाद में भी दो बाजरा खरीद केंद्र बनाए गए हैं, एक नवीन मंडी स्थल पर तथा दूसरा क्षेत्र के भरापुर गांव की रोड पर बना हुआ है। इस दौरान भरापुर रोड स्थित बाजरा खरीद केंद्र पर पहले ही दिन खैरागढ़ से एक व्यक्ति 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बाजरा लेकर पहुंचा, जो लगभग 400 कुंतल से अधिक बताया जा रहा था, तथा उसने सरकारी रेट 2500 रुपए प्रति कुंतल की दर पर बाजरा बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गोदाम के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लाकर 50-50 किलो के कट्टों में बाजरा की पैकिंग शुरू कर दी गई। इसी बीच इसकी मामले की जानकारी एसडीएम विजय कुमार शर्मा को किसी ने दे दी। एसडीएम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने किसान से पूछताछ की। वहीं उक्त किसान ने बताया कि वह खैरागढ़ से बाजरा लेकर पहुंचा है। पहले ही दिन इतनी मात्रा में खरीद केंद्र पर बाजरा लेकर पहुंचने पर अधिकारियों को इस मामले में सरकारी धन के खुर्द बुर्द होने की बू आने लगी। मंगलवार शाम एसडीएम विजय कुमार शर्मा, तहसीलदार आशीष कुमार त्रिपाठी, मंडी सचिव के साथ गेहूं खरीद केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान का बताकर लाए गए बाजरे का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने उसे बाजरा के कट्टों को एक ओर रखवा कर गोदाम में ताला डाल दिया। साथ ही उन्होंने कथित किसान की खैरागढ़ प्रशासन से सत्यापन कराए जाने की बात भी कही है। सोचने की बात यह है कि किसान पर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कट्टा कहां से आए? जो किसान बाजरा खलील केंद्र पर बाजार बेचने आए थे, उनके ट्रैक्टरों में लगे कट्टा सरकारी थे। बाजार में सस्ती रेट होने पर गोलमाल की आशंका। गेहूं खरीद केंद्रों पर शासन द्वारा 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरा लिया जा रहा है, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 1800 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल है। इस दौरान सरकार द्वारा इसकी रेट बढ़ाकर लिए जाने से कुछ कालाबाजारी भी गेहूं खरीद केंद्रों पर क्षमत किसानों के नाम आगे करके सरकार को चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 30 कुंतल से अधिक बाजरे की बिक्री पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। एसडीएम विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 30 कुंतल से अधिक माल की बिक्री करने पर किसान को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही वह अपना बाजरा लाकर खरीद केंद्र पर बेच सकता है। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।